गाइस गुड इवनिंग। तो कहते विदन की 4 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन आ गई है। तो आप सबको पता ही होगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके अलावा इसमें मेन यही बात है कि 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो भाई ये कर लीजिए, जितना जल्दी हो तो कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे लास्ट में करते हैं और कभी कभी नेट इश्यूज आ जाते हैं या फिर वेबसाइट बहुत बिजी जाती है। तो आई विल और मैं सजेस्ट यू कि प्लीज लास्ट तक ना छोड़े, मतलब भर दें, कम से कम 15 मार्च तक अपना भर दें। ठीक है, तो भाई इसके अलावा क्या है, मैं पॉलिटी का पेड कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है और उसकी डिटेल्स लेनी है तो प्लीज आप मुझे अलग से टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @mitralvaishali94। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हो, नहीं तो आप सबको पता ही होगा मित्तल वैशाली 0209 ये है मेरा टेलीग्राम का लिंक, जहां पे आप क्या प्रिपरेशन चैनल यूपीएससी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, जल्दी जैसे PT 365 लॉन्च होगी हम PT 365 सभी कवर करेंगे। ठीक है, जितनी भी 6 सब्जेक्ट्स की आते हैं हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। वॉइसिंग डिसेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन सुप्रीम कोर्ट। देखो ये जो न्यूज है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर GS 2। ठीक है, देखो डिसेंट का मतलब यही होता है कि अगर सपोज करो गवर्नमेंट ने कोई लाभ नया, लेकिन अगर आप अपनी आवाज उठा रहे हो उसके अगेंस्ट, ठीक है, लाइक अगर आपको उनका वो लॉ नहीं पसंद आया, अगर आप कोई अपना ओपिनियन उठा रहे हो वो एक सेडिशन नहीं होता। ठीक है, अब ये तो नहीं कि आप तोड़फोड़ करो, अगर आप तोड़फोड़ करो तो ऑफकोर्स यार, क्यों, अगर आप प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करो तो ऑफकोर्स वो गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो तो वो कोई सेडिशन नहीं है, वो कोई देशद्रोही ऐसा नहीं है, एक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अभी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है एक प्ली सुन रही है जो पिछले पहले जम्मू एंड कश्मीर के सीएम थे फारूक अब्दुल्ला। देखो आपको पता है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, तो उसके अगेंस्ट में क्या है, जो जम्मू कश्मीर के पुराने सीएम थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी नाराजगी शो करी थी और उन्होंने मतलब कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इस फैसले को क्या किया था, अगेंस्ट किया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है वो भी डिसेंट वे में, मतलब कि कोई इसने तोड़फोड़ तो नहीं करी ना, उसने अगर डिसेंट वे में कुछ एक्सप्रेशन किया है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट, उसे हम सेडिशियस नहीं मान सकते। ठीक है, आपको पता ही होगा जो इंडियन, देखो सेडिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल कवर नहीं करता, इसको जो कवर करता है वो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 124A है, उसमें सेडिशन को मेंशन किया गया, जो ये बताता है सेडिशन वो एक्ट होता है जो आप उस तरह के अगर एक्टिविटीज कर रहे हो जिसकी वजह से आप क्या हमारे देश में हेटरेट फैला रहे हो, देश के अगेंस्ट आप मतलब हेटरेट फैला रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो लोगों को भड़का रहे हो जिससे क्या होगा वो गवर्नमेंट से क्या हो अगेंस्ट में जाए। ठीक है, विच अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसएफेक्शन टुवर्ड गवर्नमेंट, चाहे तो आप वर्ड्स के थ्रू बोल रहे हो या फिर आप ऐसा लिख रहे हो बोल रहे हो या फिर कोई आपके से इंडिकेशन दे रहे हो थ्रू बाई साइंस या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी भी माध्यम से अगर आप क्या कर रहे हो हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो हेटरेट फैला रहे हो या फिर डिससेटिस्फेक्शन को कर रहे हो, ये जो चीजें होती है वो एक्टिविटीज किसमें आती है, सेडिशन में आती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC। आई थिंक आपको पता ही होगा बिकॉज हम काफी न्यूज कवर करते हैं जिसमें हम सेडिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस एक्ट के अंदर क्या होता है, इस पर्सन को जो भी अगर सेडिशन में मतलब कि इन्वॉल्व है उस पर्सन को हम इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, या तो उसको उम्र भर की इम्प्रिजनमेंट होगी, उम्र कैद होगी, या फिर 3 साल तक की उसको हम जेल कर सकते हैं विद फाइन। इसके अलावा अगर उस पर्सन को आपने सेडिशन के अंदर चार्ज कर दिया है, वो पर्सन फिर अगली बार गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और इवन कि वो पासपोर्ट भी नहीं रख सकता, मतलब कि अब उसको जिंदगी भर अपने देश में ही रहना होगा। ठीक है, जो सेडिशन का केस है वो किसके अंडर आता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट कैटेगरी के अंडर आता है, जिसके अंदर और केसेस भी इंक्लूड कर सकते हैं फाइल्ड, मतलब कि आपको पता है UAPA, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंडर भी सेडिशन को हम कवर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स, मतलब कि सेडिशन जो एक एक्टिविटी है, जो सेडिशन है वो IPC के अलावा और भी जो एक्ट्स होते हैं वो कवर करते हैं, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हो गया, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, तो ये काफी जो अलग अलग एक्ट्स हैं ये भी सेडिशन को कवर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रोमेश थापर के जो केस में, केदारनाथ कन्हैया कुमार केस में बार बार जो सेडिशन एक्ट की जो डेफिनेशन है उसको दोबारा रीडिफाइन की गई। एक एक्ट को सेडिशियस कब माना जाता है, ओनली अगर वो पब्लिक ऑर्डर को नहीं माने, डिसरप्ट कर रहा है। ठीक है, देखो जब अभी देखो आप फार्मर्स प्रोटेस्ट में काफी फार्मर्स के ऊपर क्या किया है, सेडिशन एक्ट पे क्या किया। ठीक है,
बिकॉज वो इन तीनों में से कहीं ना कहीं गलत कर रहे होंगे, आइदर दे आर डिसरप्टिंग द पब्लिक ऑर्डर या फिर वो क्या कर रहे हैं लॉफुल गवर्नमेंट को अटेम्प्ट करना वायलेंटली ओवर थ्रो. देखो गाइस आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फार्मर, लाइक आई एम जस्ट गिविंग माय व्यू. देखो आप सबको पता है कि नारेबाजी लगती है, तो नारेबाजी में क्या होता है, नो डाउट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन यू आर लाइक कि हम मोदी को नहीं आने देंगे, ये सब नहीं आने देंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो वायलेंटली अगर ऐसा कर रहे हो कि हाँ दैट वी आर शोइंग अ डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट, सो इट इज एक्चुअली एन एक्टिविटी विच कवर्स अंडर द सेडिशन, ठीक है, या फिर हम स्टेट की या पब्लिक की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सब चीजें क्या होते हैं, सेडिशन में कारण होता है, ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, ड्राफ्ट पेपर ऑन ब्लू इकोनॉमी आस्क सेंटर टू एक्सप्लोर अंडर सी ऑप्शंस फॉर रेयर मैटर्स. देखो ये जो माई न्यूज है एनवायरमेंट में कवर होगी, ठीक है. ये देखो रेयर मैटर्स जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कवर हो सकती है. आपको पता है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर अभी कुछ गाइडलाइंस बनी है, तो इसमें क्या क्या है, जो ये ड्राफ्ट है उसमें क्या है, उसने सेंटर से पूछा है कि आप कुछ अंडर सी कुछ ऐसे ऑप्शन देखो कि जहां पे हम रेयर मेटल्स को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. देखो अब हम देखते हैं अभी जो ड्राफ्ट है वो किसने प्रिपेयर किया है, वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसने क्या किया, ड्राफ्ट किया गया और ये प्राइम मिनिस्टर को दिया, ड्राफ्ट सबमिट किया, जिन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया को कुछ इस तरह से एक्टिविटीज करनी चाहिए या इंडिया को कुछ ऐसे एक्शन करनी चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, हम अंडर सी क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें और देखें वहां पे कोबाल्ट रिच सी माउंट फेरो मैग्नीज क्रस्ट, इसको हम एक्सप्लोर कर सके इंडियन ओशन में, ठीक है. आपको पता है ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, कि किस तरह से मैराइन सेक्टर से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं. अब इसमें फिशीज भी कवर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी कवर है, हर चीज कवर होती है, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा दिया था, ठीक है. तो इसमें क्या है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने सेंटर को बोला है कि किस तरह से हम जो रेयर मैटर है जैसे कोबाल्ट रिच सी माउंट फेरो मैग्नीज क्रस्ट, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडियन ओशन में से. अब हम देख सकते हैं जो सी माउंट फेरोमैग्नेस क्रस्ट है ये क्या है, ये क्या करता है, कुछ जो हाई वैल्यू मेटल्स है उनकी वैल्यू को और ज्यादा एनरिच कर सकता है, जैसे कोबाल्ट हो गया, प्लेटिनम हो गया, सीरियम एक्सेट्रा. तो ये आपको गाइस ये देखो आपको पता है यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट प्लेटिनम सीरियम इनकी क्या एप्लीकेशन है. जैसे बायोरोक टेक्नोलॉजी पूछा, अगर हमसे पूछे कि वो अंडर सी मतलब किस तरह का कुछ लाइक सीधा बोल दे सी माउंट फेरोमैग्नेस क्रस्ट क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि इनका एग्जांपल कौन है, कोबाल्ट प्लैटिनम सीरियम, ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेयर मेटल्स, ठीक है. इसके अलावा क्या क्या सजेशंस ड्राफ्ट मतलब कि सेंटर को बोले हैं, देखो एक सबसे पहले एक नेशनल प्लेसर मिशन को सेटअप किया जाएगा जो ये देखेगा कि हमें क्या डिपॉजिट्स एक्सप्लोर करने हैं, क्या और रोड मैप प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से हम उनको रेयर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. प्लेसर डिपॉजिट आपको पता होना चाहिए, प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है, एक जगह होती है जहां पे वो वैल्यूएबल मिनरल्स को हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि एक जगह है वहां पे वैल्यूएबल मटेरियल एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, विच इज फॉर्म बाय ग्रेविटी सेपरेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ ड्यूरिंग द सेडिमेंट डिपॉजिट. मतलब कि देखो आपको पता है अर्थ में काफी प्रोसेसेस होती रहती हैं, जब ये सेडिमेंटरी प्रोसेसेस होती हैं तो कई कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एक जगह पे आके क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है. तो वही उस जगह को हमने पहले तो एक्सप्लोर करना है और उसी जगह जहां पे ये एक्यूमुलेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट. इसके अलावा कुछ सुटेबल पॉलिसीज को हमें इवॉल्व करना है ताकि हम किस तरह से उन रेयर मेटल्स को प्रोस्पेक्ट कर सके, माइनिंग कर सके, साथ में एनवायरमेंट को देखते हुए, ठीक है. और कोस्टल और डीप सी माइनिंग पे भी हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क बनाना चाहिए पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी बनाना पड़ेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है. तो हर एक चीज पे हमें जरूरत है अगर इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द रेयर मेटल, ठीक है. अब इस सजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले क्या जैसे जो मेटल्स की डिमांड है जैसे कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, या आपको पता है कि बैटरीज बनाने में यूज होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, मोबाइल फोन्स में भी लिथियम की बैटरीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी लिथियम की बैटरीज होती है, तो इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसकी वजह से हम जो अपने इंपोर्ट पे काफी ज्यादा डिपेंड है, अगर हम इंडिया में इनको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी अल्टीमेटली डिक्रीज होगी. इसके अलावा हम क्या चाहते हैं कि इंडिया के पास, आपको पता है 7500 किलोमीटर की इंडिया के पास क्या कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया का जो रिच कोस्टल रीजन है या जो ऑफशोर प्लेसर मिनरल, ऑफशोर मतलब कि जो समुद्र में जो डिपॉजिट्स है मिनरल्स के, उसको हम क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके स्ट्रेटेजिक तरीका यूज करके, सच एज निकल, यूरेनियम, थोरियम, ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है, टाइटेनियम, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, पॉलीमेटेलिक मैग्नीज, रोडियम, इन सबको हम क्या कर सके, सिंपल बात है, इन सबको हम एक्सप्लोर कर सके, ठीक है. ब्लू इकोनॉमी आपको पता ही है कि ब्लू इकोनॉमी हम क्या कर सकते हैं कि ओशन रिसोर्स किस तरह से सस्टेनेबल वे में हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, अपने लाइवलीहुड को इंप्रूव कर सकते हैं और जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. इंडिया में इसका साइज है वो नियर अबाउट 4% ऑफ जीडीपी, मतलब कि जीडीपी में जितना भी जीडीपी इंडिया की जीडीपी 4% अकाउंट करती है ड्यू टू ब्लू इकोनॉमी, ठीक है. नेक्स्ट न्यूज है,
इंडिया सेट टू किक ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट टू मैप जीनोम्स इन इंडियन ओशन। फिर ये जो न्यूज है हमारी साइंस टेक्नोलॉजी में कवर होगी। देखो अभी क्या है, इंडिया क्या चाहिए, पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है ताकि हम इंडियन ओशन में जीनोम्स को क्या कर सके, मैप कर सके। देखो अब जीनोम मैपिंग क्या होती है, ठीक है, जीनोम मैपिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक जीन को लोकेट करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ क्रोमोसोम और उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना है बिटवीन अदर जीन्स ऑन दैट क्रोमोसोम। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है आपको पता है ये डीएनए के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर, मतलब कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है और डीएनए में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ये आपको पता ही होगा अगर आपने साइंस पढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोटीओम मैपिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स की बायो जियोकेमिस्ट्री को आइडेंटिफाई करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ओशन कंडीशन में वेरी करते रहते हैं, मतलब कि एक स्पीसीज है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो मतलब कि उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट आपको पता है ओशन कंडीशन में वेरी करते हैं, जैसे सैलिनिटी हो गया, चाहे ओशन का टेम्परेचर हो गया, उन सब में डेप्थ हो गया, इन सब में क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो जो जीनोम मैपिंग में क्या करेंगे हम, जो मेनली जो ऑर्गेनिजम्स की स्पेसिफिक जीन्स को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे कि वो पर्टिकुलर रीजन में उनकी जो जीन्स की क्या वेराइटी है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे किस तरह से लोकेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो जीनोम में क्या, मतलब कि अगर वेरिएशन आ रहा है उसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, समझ में मेरी बात आ गई, लाइक अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म हमें इस लोकेशन पर मिला है, एक वही सेम ऑर्गेनिज्म हमें अगर इस लोकेशन में मिला है तो इन दोनों के जीन्स में क्या डिफरेंस है, या फिर एक लोकेशन के बाद अगर एक डिस्टेंस अगर इतना बढ़ रहा है तो उसके बाद उनमें जीन्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, मेरी बात आपको समझ आएगी, ये हम जीनोम मैपिंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, सीएसआईआर और साथ में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, उन्होंने क्या किया है, ये दोनों स्टार्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, जीनोम एंड प्रोटियोम मैपिंग को कंडक्ट करेंगे जो किसके अंडर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, किसमें, इंडियन ओशन में। अब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया जीनोम मैपिंग क्या होती है और प्रोटियोम मैपिंग क्या होती है। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि हम क्या कर सके, वाटर के सैंपल, सेडिमेंट्स के सैंपल, प्लैंक्टन और वेरियस ऑर्गेनिज्म के जो सैंपल होते हैं उनको हम क्या कर सके, इन सर्च ऑफ जीनोम्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके अलावा इस मिशन का की ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स है जो ओशंस में रहते हैं उनके जीन्स को आइडेंटिफाई कर सके, उनकी करेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई कर सके, जो प्रोटीन्स हैं ओशन में उनको हम आइडेंटिफाई कर सके, ताकि हम उन ऑर्गेनिज्म के सेलुलर लेवल ऑपरेशन, मतलब कि उन ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं उनको हम क्या कर सके, समझ सके। अभी क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट हैं वो इससे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैप कर सकते हैं। अभी हमने बोला डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हम मैप करेंगे, ठीक है, तो हम उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैप कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैप कर सकते हैं और ट्रेस मेटल्स भी हम मैप कर सकते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक्स सॉरी साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग को यूज करेंगे। ये एक तरह के डीएनए फ्रेगमेंट्स की, मतलब एक तरह की टेक्निक है, और इसके अलावा एक सेंगर सिक्वेंसिंग, ये दोनों टेक्निक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों टेक्निक किससे रिलेटेड है, ये जीनोम मैपिंग से रिलेटेड टेक्निक है। ठीक है, इन दोनों टेक्निक्स को साइंटिस्ट यूज करेंगे, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके उन ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इसके अलावा अभी तक डीप सी में या फिर जो पोलर ओशन में से बहुत ही कम स्पीसीज हैं जिनकी हमने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, इसलिए हम, क्योंकि जो ओशंस में जो स्पीसीज होती है उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है एज कम्पेयर टू लैंड, मतलब कि लैंड पे जो स्पीसीज है उनकी आप, मतलब कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली इजी होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, आपको सबको पता ही होगा, इससे हमारी जो कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है उसमें हमारी रिसर्च इंक्रीज होगी, जैसे एंटी कैंसर ट्रीटमेंट पे। इसके अलावा हम कुछ सेलुलर बायोकेमिस्ट्री को पढ़ समझ सकते हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं किस तरह से जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें ओशन किस तरह से रिस्पोंड कर रहा है। ठीक है, किस तरह से न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस हो रहा है, किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे ओशन किस तरह से क्या कर रहा है, रिस्पोंड कर रहा है। ठीक है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हर एक एनवायरमेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, हर बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ओशन किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो दैट आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट न्यूज है, क्योंकि ये जो न्यूज थी थोड़ी अलग थी, ऐसी न्यूज हम आई थिंक रिलेटिवली हम बहुत कम पढ़ते हैं सर की न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द बायो। ठीक है, गाइस अगेन ये जो न्यूज है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, एक ग्लोबल बायो इंडिया एक तरह की कॉन्फ्रेंस है जिसको ऑर्गेनाइज किया किसके द्वारा, डीबीटी एंड बायोटेक के द्वारा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अगर इन्होंने डीबीटी और बायोटेक के बारे में पढ़ाया है। चलो छोड़ो, देखो अभी जो इवेंट हुआ था ग्लोबल बायो इंडिया, इसमें ये शो किया कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में अपनी अपॉर्चुनिटीज को
इवोल्व कर सकते हैं, वर्ल्ड के सामने बता सकते हैं। इसलिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी इसको भी अनाउंस किया गया, मतलब कि इस समिट में जो भी ग्लोबल वैलिडेशन समिट हुआ है उसमें यह बताया कि इंडिया किस तरह से इस सेक्टर में अपनी अपॉर्चुनिटीज को शो कर सकता है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी इसको भी अनाउंस किया। बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ सकते हो नाम से क्या होता है कि इसमें क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को यूटिलाइज कर सके, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स को यूज करके हम कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में पढ़ें इंडिया में तो क्या जाना, अगर देखा जाए तो इंडिया इज अमंग टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड एंड रैंक सेकंड इन एशिया आफ्टर चाइना। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो इंडिया क्या है वर्ल्ड में टॉप 12 कंट्री में से है। इसके अलावा अगर एशिया में देखें तो इट रैंक सेकंड आफ्टर चाइना। इंडिया में जो ग्रोथ है वो क्यों हो रही है, इट इज प्राइमरी ड्राइवन बाय वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट थेरेपी। ठीक है, इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है वो अपने आप में भी 5 मेजर सेगमेंट्स में बटा हुआ है, जैसे बायोफार्मा हो गया, बायो सर्विसेज हो गया, बायोएग्री होगी, बायो इंडस्ट्रियल, बायोफार्मा। मतलब कि देखो बायोफार्मा का मतलब क्या है, जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें हम कुछ बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, बायो सर्विसेज में भी अगर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सोलर सेल की पावर, तो उसमें हम जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में लाइक आप फर्टिलाइजर्स बना रहे हो, पेस्टिसाइड बना रहे हो, तो उसमें आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो जैसे मैन्योर यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये सब हो गया, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री देखें तो 2019 में $63 बिलियन हमें इंडिया मिलते हैं। इसके अलावा हमारा एम क्या है कि 2025 तक हम इस सेक्टर को $102 बिलियन तक के स्ट्रॉन्ग बना सके। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए ताकि हम बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को और ज्यादा मजबूत बना सके, 100% FDI अलाउड किया हुआ है अंडर ऑटोमेटिक रोड, ताकि हम क्या कर सके ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या है, अगर कोई अपनी फ्रेश कंपनी खोलना चाहता है फार्मा की तो उसको अलाउड है, और मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी बायरैक के फुल फॉर्म क्या गाइस, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जो कि DBT के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, ताकि हम क्या कर सकें जो अभी इमर्जिंग जो एडवांस बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज है उनको हम स्ट्रेंथन कर सके, ताकि वो अच्छे से रिसर्च और इनोवेशन को आगे लेके जा सके। नेक्स्ट है नेशनल बायोफार्मा मिशन, इसको हमने इसलिए सेटअप किया था ताकि वो क्या कर सके इंडस्ट्रीज और जो अकेडमी मतलब कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बच्चे इंक्लूड है, PhD के रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, इन सबको इकट्ठे लाएगी ताकि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके और मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर सके, मतलब कि इंडिजिनियस इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर सके। इसके अलावा इनोवेटिव इन इंडिया, ये भी नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंदर है, ताकि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके और अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स एंड इंक्यूबेटर्स को भी एस्टैब्लिश किया गया है अक्रॉस द कंट्री, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्पेस ह्यूरिकेन डिटेक्टेड ओवर द नॉर्थ पोल। तो ये जो न्यूज हमारी ज्योग्राफी में कवर होगी, देखो आपको पता है ह्यूरिकेन मतलब कि साइक्लोन, तो पहली बार ऐसे वो स्पेस में साइक्लोन को डिटेक्ट किया गया कहाँ पे, नॉर्थ पोल में। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ये जो रेंज है अगर देखा जाए कहाँ पे मतलब कि डिटेक्ट हुआ है, नियर अबाउट इन एल्टीट्यूड 110 से 860 किलोमीटर एल्टीट्यूड में डिटेक्ट किया गया, एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा विद मल्टीपल स्पिरुला, मतलब कि इसकी जो आर्म्स थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेस में ह्यूरिकेन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आपको पता है ना इंडिया में साइक्लोन आता है कभी एंटी साइक्लोन नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता ये इसका आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो स्पेस में जो ह्यूरिकेन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, जिसमें प्लाज्मा भी था विद मल्टीपल स्पिरल आर्म। ठीक है, जो सेंटर था ह्यूरिकेन का वो इतना स्टिल था, सिमिलर टू ह्यूरिकेन जैसे हम अर्थ में देखते हैं। ठीक है, जो डिटेक्शन था वैसे स्पेस में जो ह्यूरिकेन था वो सबसे पहले 2014 में डिटेक्ट की गई थी, लेकिन अब रिवील किया गया ड्यूरिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस बाय रिसर्चर। ठीक है, स्पेस ह्यूरिकेन का मतलब क्या है, अगर जो प्लाज्मा जो है वो स्विर्ल हो रहा है, मतलब कि इस तरह घूम रहा है, एंड इट रेन्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आयनोस्फीयर, और आयनोस्फीयर में क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को बरसा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इट लेड टू ह्यूज साइक्लोन शेप ओरोरा बिलो द ह्यूरिकेन। ठीक है, अभी ओरोरास क्या होते हैं, देखो ओरोरास क्या होते हैं, ये एक तरह से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से जो ओरोरास है वो पैदा होते हैं। ठीक है, ऑफ द सोलर विंड विद द एटम्स ऑफ अपर फ्लोर, मतलब कि अगर देखो भाई ये तो आपका अपर एटमोसफेयर जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया। ठीक है, अगर ये सोलर विंड के जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स है किसी से भी अगर मिल जाए तो ओरोरास फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओरोरास जो मेनली होता है वो दोनों हेमिस्फीयर के हाई लैटिट्यूड्स में होता है। ठीक है, इधर इन नॉर्थ पोल और इन साउथ पोल। ठीक है, ओरोरास मेनली जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो ओरोरास होते हैं उसको हम ओरोरा बोरियल बोलते हैं या ओरोरा पोलारिस बोलते हैं या फिर नॉर्थन लाइट बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ओरोरा साउथन हेमिस्फीयर में होते हैं उसको मेनली क्या बोलते हैं, ओरोरा ऑस्ट्रेलिस और साउथ लैंड। अब ऑस्ट्रेलिया आपको पता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो साउथ हेमिस्फीयर में, तो इसका नाम वहां से रखा। ठीक है, बाकी अब इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हमने इससे पहले भी ओरोरास के ऊपर डिस्कस किया। अब आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा क्या होता है, ये हॉट आयनाइज्ड गैस होता है जिसमें मेनली क्या है इक्वल नंबर ऑफ
पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन्स बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा आपको पता है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है आफ्टर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। आयनोस्फीयर में अगर देखा जाए, आयनोस्फीयर में नियर अबाउट रफरी 50 to 100 माइल्स अबव अर्थ एटमोसफेयर, आपको पता है आपने लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर पढ़ा होगा, ठीक है, राइट एट द एज ऑफ स्पेस। अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो स्पेस थ्योरी कहते हैं वो कैसे बना है, इट इज मस्ट बी क्रिएटेड बाय जो सोलर विंड एनर्जी जब वो रैपिड ट्रांसफर करती है, इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय अनयूजली लार्ज एंड रैपिड ट्रांसफर ऑफ सोलर विंड एनर्जी एंड चार्ज पार्टिकल्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब कि अर्थ के जो अपर एटमॉस्फेयर में मतलब कि ट्रांसफर अगर सोलर विंड एनर्जी उसकी वजह से ये हरिकेन आया है। सिग्निफिकेंस की अगर हम इसको पढ़ते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा स्पेस में जो वेदर इवेंट्स इफेक्ट्स होते हैं जैसे सैटेलाइट ड्रैग या जो डिस्टर्बेंस होती है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन वो किस क्यों होती है उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ रेडार लोकेशन में कुछ एरर्स दिखाई जाती है, कभी सैटेलाइट नेविगेशन में कुछ एरर आ जाती है कम्युनिकेशन सिस्टम, इनको हम ज्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज के साथ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता ही होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह की गाइडेंस होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है, ताकि हम क्या कर सके इलेक्शन से पहले इशू करते हैं कि क्या कैंडिडेट्स को क्या पॉलिटिकल रेगुलेट पार्टीज को आप किस तरह से रेगुलेट कर सकते हो ताकि हम फ्री और फेयर इलेक्शंस रख सके। आर्टिकल 324 एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मतलब कि इशू कर सकता है, ठीक है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो कब से ऑपरेशन में होता है, जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल की डेट आती है तब ये अनाउंस मतलब कि ये कंडक्ट लग जाता है, और ये कब तक रहता है, जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए इलेक्शंस के रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। इसके अलावा अभी क्या है, कहीं ना कहीं क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन आई है, इसमें क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कि सभी होर्डिंग्स को रिमूव किया जाए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स क्या करी है प्राइम मिनिस्टर की फोटोज को यूज कर लिया, ठीक है। आपको पता है जब इलेक्शन होते हैं सब क्या करते हैं अपने पोस्टर्स बनवाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, कहीं जैसे अगर सपोज करो बीजेपी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया अपने जो पोस्टर है उसमें प्रधानमंत्री की फोटो यूज कर ली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एक इशू किया है कि उनको कि जिसमें भी आप प्राइम मिनिस्टर की फोटो को यूज करते हो उसको एडवर्टाइजमेंट में उसको आप हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने बोला है कि जो मिनिस्ट्री एक सेकेंड हाँ, तो अभी हम क्या बढ़ रहे थे आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल, देखो कहते आपको काफी मतलब कि हम काफी बात से पढ़ रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंडर लाने की बात कर रही है, ठीक है। अभी क्या कुछ रूल्स को रिसेंटली नोटिफाई किया गया किसके अंडर, आईटी 2000 के अंडर, ताकि हम क्या कर सके जो डिजिटल न्यूज और जो करंट अफेयर्स जो कहाँ पे होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको रेगुलेट कर सके, ठीक है। इट इज टू रेगुलेट डिजिटल न्यूज एंड करंट अफेयर्स एंड पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट एट ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने बोला है कि जो पार्ट थर्ड रूल्स का, देखो इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे आईटी एक्ट है इसके अंदर जो पार्ट थर्ड में जो रूल्स है वो किस पे प्रिस्क्राइब करता है, एज बेस्ड क्लासिफिकेशन में, थ्री टाइप ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम मैकेनिज्म है विच इंक्लूड एन ओवरसेट मैकेनिज्म गवर्नमेंट एट द थर्ड लेवल, ठीक है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने क्लियर बोला है कि जो रूल्स का जो पार्ट थर्ड है वो मिनिस्ट्री खुद एडमिनिस्ट्रेट करेगी और जो पावर्स है वो हम स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे, सिंपल बात ये, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि वो अपने अकॉर्डिंग एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रही है कंटेंट की नहीं हो रही है, या फिर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ताकि जो गवर्नमेंट है वो थर्ड लेवल पे मतलब कि अच्छे लेवल पे क्या कर सके मॉनिटरिंग कर सके चीजों की, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अभी ये जो टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उन्होंने इंडिया टेलीकॉम 2021 को ऑर्गेनाइज किया है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजीज को शेयर कर सकते हैं और बिजनेसेस की जो नॉलेज है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया था, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन दोनों के द्वारा सेटअप किया गया था, ताकि हम क्या कर सकें हम टेलीकॉम इक्विपमेंट और टेलीकॉम सर्विसेज के एक्सपोर्ट को क्या कर सके प्रमोट कर सके, ठीक है। इसके अलावा इसका काम क्या है, ये क्या करती है, हम जो भी कुछ पॉलिसीज को रिकमेंड करती है कि किस तरह से गवर्नमेंट को इस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज यूज करनी चाहिए। इसके अलावा इसका एम क्या है, एट एक्सपोर्ट प्रमोशन डिसेमिनेशन ट्रेड रिलेटेड डाटा टू इट्स मेंबर्स, ठीक है। सिंपल बात है कि एक्सपोर्ट का इसका काम है ताकि हम ज्यादा ज्यादा जो अपने एक्सपोर्ट जो टेलीकॉम इक्विपमेंट और जो टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज है उसको हम एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैराइन स्पेशल प्लानिंग, देखो अभी क्या इंडिया और नॉर्वे ने
एग्री किया कि वो एक मैराइन स्पेशल प्लानिंग को कंडक्ट करेगी कहां पे, लक्षद्वीप में पुडुचेरी में। देखो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मैराइन स्पेशल प्लानिंग इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर करेगा, तो आपको पता नहीं चाहिए नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे के साथ आई थिंक हमने आज तक ही कुछ किया हुआ, जैसे रशिया फ्रांस मालदीव ये सब चल रहा है, ठीक है। तो जो कंट्री और आ गए वहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी जो मैराइन स्पेशल प्लानिंग का मतलब किया कि हम क्या करेंगे, इट इज प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन मैराइन एरियाज टू अचीव इकोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। मतलब कि हम मैराइन एरियाज में किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि हम इकोलॉजिकल इकोनॉमिक सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें, ठीक है। अब ये इनिशिएटिव किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री साइंस के द्वारा, और इसके अलावा क्योंकि नॉर्वे भी इसमें इंक्लूड है, तो नॉर्वेजियन की एनवायरमेंट एजेंसी के द्वारा इसको इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ नॉर्वे, ठीक है। इससे पहले भी नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिजर्व है, उन्होंने क्या किया था, कोस्टल मैनेजमेंट प्लान्स को डेवलप किया था, किस किस के लिए, चेन्नई गोवा गल्फ ऑफ कच्छ, जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल प्रूफ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कैफे, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशन, अभी के रिसेंटली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उन्होंने बोला है कि जो हम कैफे फेज सेकंड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को पोस्टपोन करेंगे, अब कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2024 से। आपको पता है इसका एम यही है कि हम अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके व्हीकल की, ताकि जो इतने बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सके। जो नॉर्म्स है ये सब पे एप्लीकेबल है, पेट्रोल डीजल एलपीजी और सीएनजी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। ये तो पहले ये तो फर्स्ट का फेज था वो 1 अप्रैल 2017 में फोर्स में आया था। इसके अंदर क्या था, जो कॉर्पोरेट जो कार्बन एमिशन है उसको लेस हमें कितना करना था, 2022 तक 130 ग्राम पर किलोमीटर करना था, और उसके बाद 2022 का हमें इतना रिड्यूस करना था 2-113 ग्राम पर किलोमीटर, ठीक है। अभी के जो कैफो रेगुलेशन है वो फोकस करते हैं कितना हम अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सके। इससे क्या, जो BS6 नॉर्म भारत स्टेज, आपको पता तो आपके व्हीकल्स होते हैं इनके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, जबकि जो BS6 जो नॉर्म है वो फोकस करता है किस तरह से हम जो हार्मफुल और जो गैसेज है उनको व्हीकल्स जो आती है उसको हम रिड्यूस कर सके। लास्ट न्यूज आज की, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजनरेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद, ये हमने पहले ही पढ़ी है। स्कीम के अंदर देखो अभी क्या है, हम डेवलपमेंट करेंगे इसका माँ बमलेश्वरी देवी टेम्पल जो कि छत्तीसगढ़ के दोनों परिधन में, इसको अप्रूव किया गया। अब देखो प्रसाद स्कीम है क्या, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई थी 2014-15 में, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था किस तरह से जो पिलग्रिमेज एरिया है जहाँ पे मतलब कि तीर्थ स्थान है या फिर जो हेरिटेज डेस्टिनेशन है उसको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इस स्कीम के अंदर जो एक्टिविटीज होती है उसमें क्या करते हैं, उन स्पेसिफिकली साइट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, ATM वगैरह मनी एक्सचेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट बहुत अच्छा होता है, पार्किंग प्रोवाइड करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, फर्स्ट एड सेंटर या इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी इस स्कीम के अंडर किसको इंक्लूड किया गया है, माँ बमलेश्वरी देवी टेम्पल जो कि छत्तीसगढ़ के दोनाकर एरिया में, ठीक है। बाकी आपको पता ही है मेरा कोर्ट बता दिया कि इसकी 2021 की UPSC नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, और लास्ट है 24 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डेली कंट में कंप्लीट होती है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कोई डाउट तो कमेंट करना, तब तक बाय टाटा।